हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक और न्यू वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं GTA San Andreas का डेफिनेटिव एडिशन का ग्राफिक्स मोड पैक। और इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर आपको जो चीजें मिलने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर आपको कुछ न्यू टाइप्स की जो है कार्ड्स देखने के लिए मिलने वाली है, और उसके अलावा न्यू टाइप्स के आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, एंड न्यू टेक्सचर्स आपको मिलने वाले हैं, और न्यू बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलने वाली है इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर। एक आपको जो है GTA San Andreas के डेफिनेटिव एडिशन का एक्सपीरियंस देने के लिए मोड पैक डिज़ाइन किया गया है। थैंक्स करता हूँ उन क्रिएटर का जिसने इस मोड पैक को क्रिएट किया है, और रिस्पेक्टिव क्रेडिट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उनका भी चैनल जो है चेकआउट कर सकती हो। बहुत अच्छा मोड पैक मुझे ये लगा है अभी, और दैट्स वाई मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 20,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तो अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन बेल नोटिफिकेशन को नहीं कर रहे, तो गाइस आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सब्सक्राइब कुछ लोग कर भी रहे लेकिन वो बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रहे, और इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, एंड इनिशियल वीडियोस पे लोग नहीं आ पाते क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। सो गाइज ये चीज़ करना मत भूलना, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर से कर देना। एंड उसके बाद में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं अक्सर, पुराने वीडियोस में कमेंट आते हैं कि गेम क्रैश कर रहा है या गेम चल नहीं रहा है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, और आपका भी अगर गेम क्रैश करता है इस वाले मोड पैक को डाउनलोड करने के बाद में, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सेस दिस प्लेलिस्ट जो कि आपको आई बटन पे शो हो रही है, और इस प्लेलिस्ट पे जाने के बाद में आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएगी जो कि क्रैश से के सॉल्यूशन से रिलेटेड होगी। मतलब यार आपको उन वीडियोस को देखना है, जो भी आपका जिस टाइप का भी क्रैश है उन वीडियो से आपको फिगर आउट करना है, एंड देन आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। जो लोग सोचते हैं कि अगर मेरा गेम क्रैश कर रहा है तो मैं खेल नहीं पाऊंगा, या फिर मैंने इतना डेटा वेस्ट करके मोड पैक डाउनलोड किया है वो चल ही नहीं रहा है, सो ये आपके साथ नहीं होने वाला है गाइस। आपने जो भी मोड पैक डाउनलोड किया है मेरे दिए हुए लिंक से, वो मोड पैक ज़रूर आपके फ़ोन में रन करने वाला है। बस आपको कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखना होता है, जो इंस्टॉलेशन में वीडियोज़ में आपको दिखाता हूं, जो डिस्क्रिप्शन में होता है, उनका आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि काफी लोगों का जो है गेम वर्क नहीं करता है क्योंकि वो इंस्टॉलेशन को फॉलो नहीं करते। तो गाइज यू हैव टू फॉलो द इंस्टॉलेशन प्रोसेस अच्छे से, और अगर अच्छे से आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो आपका गेम क्रैश तो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और अगर फिर भी कुछ सिनेरियोस में गेम क्रैश हो रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा उन वीडियोस को जाकर के देखिए, वहाँ पे मे बी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद भी अगर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है उन वीडियोस को देखने के बाद में, देन यू कैन कमेंट ऑन इंस्टा, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहाँ पे जाकर के आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। डिस्कॉर्ड पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, तो आप डिस्कॉर्ड पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो आकर के कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाला गेम क्रैश करने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से टेस्ट किया, और ऑल्दो मैं सभी मोड्स पैक को अपने फ़ोन के अंदर ट्राई करके ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, बट फिर भी गेम क्रैश करता है इन डिफरेंट सिनारियोज़। कुछ लोगों का फ़ोन डिफरेंट हो सकता है, एंड्रॉयड वर्जन डिफरेंट हो सकता है, तो उन केसेज में यू कैन DM। सो गाइज मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लूँगा, आई विल जस्ट शो यू द गेम प्ले, एंड आपको दिखाने वाला हूँ कैसा हमारा गेम प्ले होने वाला है। सो लेट्स गो इनटू द गेम प्ले। तो गाइज आपको यहाँ पे ग्राफिक्स कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है, जैसा कि आप अपने गेम प्ले के अंदर देख सकते हो। कुछ इमर्सिव रोड एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड कार्ड्स के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो कार्ड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस किस टाइप की जो कार्ड्स है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। कार्ड्स आर अमेजिंग। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है वेदर चेंज, जब आप करोगे तो उनके अकॉर्डिंग आपको ग्राफिक्स चेंज देखने के लिए मिलेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया है कि वेदर चेंज करने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है, और हर एक मोड पैक के अंदर जब आप वेदर चेंज करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड सेम थिंग मैंने यहाँ पे भी जो है अच्छे से नोटिस करी, जो आपको सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है यहाँ पे।
एंड यहाँ पे आप ड्राइविंग के सीन पर देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे गेम को प्ले करके आपको दिखाया है। एंड वन मोर थिंग कि जो मैंने सेटिंग्स कर रखी है इस गेम के अंदर, वो थोड़ी सी मिड एंड सेटिंग कर रखी है, बिकॉज मेरा डिवाइस इतना पावरफुल नहीं है, बट उसके बाद भी मेरा गेम रन कर रहा है। सो वी कैन से कि हाँ, अगर आपका डिवाइस मीडियम लेवल का है, नॉट एकदम हाई लेवल का, अगर मीडियम लेवल का आपका डिवाइस होता है, लाइक 4 GB या 6 GB रैम होती है, आप गेम को ईजिली खेल सकते हो। लेकिन अगर आपके फ़ोन में 2 GB रैम होती है, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा लो है, तब भी आप इस गेम को खेल सकते हो, लेकिन आपको सेटिंग्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आई मीन टू से कि आपको जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम रखना होगा, तभी आप जो है इस वाले डेफिनेटिव एडिशन मोडपैक का एक्सपीरियंस ले पाओगे। डेफिनेटिव एडिशन का जो मोडपैक है वो बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है, प्रोसेसर कंज्यूम करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही गेम को मोडपैक को डिज़ाइन किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है ये आपके फ़ोन के अंदर रैम लेगा। सो मेक श्योर कि यार अपना सिस्टम को यू नो क्लियर करके और उसके बाद में आप अपने गेम को रन करिए, देन आई डोंट थिंक कि आपके फ़ोन के अंदर ये गेम चलने से कोई रोक सकता है। एंड उसके अलावा इंस्टॉलेशन के ऊपर मैं आऊँगा गाइस। आई होप आपने इंस्टॉलेशन अपने गेम प्ले पूरा देख लिया होगा अच्छे से, रिफ्लेक्शन अगर आप देख सकते हो कि कैसे आ रहे हैं, बट उसके अलावा मैं इंस्टॉलेशन पे आऊँगा। और इंस्टॉलेशन जो है इस वीडियो में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इंस्टॉलेशन वीडियो को देख सकते हो। वहाँ से आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि इंस्टॉल कैसे करना है किसी भी मोडपैक को, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो, वह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैंने उसके अंदर बताया कि आप किस तरीके से मोडपैक को जो है इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो कोई भी मोडपैक हो। और अगर आप मोडपैक नॉर्मली मेरे वीडियो से डाउनलोड करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो मैंने स्टेप्स बताए वो मेरे मोडपैक के अकॉर्डिंग ही बताए। आपको जस्ट यू नो कॉपी एंड पेस्ट करना होता है मैक्सिमम सिनारियोज में, एंड आपको रीनेम करना होता है आपके अकॉर्डिंग GPU के, वो चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो अगर आपको इस वाले मोडपैक को इंस्टॉल करना है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, सो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड बाय।